अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ये डिज़ाइनिंग टॉप शेयर कर रही हूँ। आई होप को आप लोगों को अच्छा लगे। यहाँ पे मैं कपड़े को चार लेयर में फोल्ड कर चुकी हूँ और ये जो कागज़ है मैं पहले कर चुकी हूँ। किस तरह से मैंने ये किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। कागज़ को इस तरह से रख कर मैं यहाँ इसका जो मेजरमेंट है वो कर लेती हूँ और इससे मैं पिन से ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि जब आप लोग जो कपड़ा है जो सिल्क है या फिर कॉटन नहीं है उसके लिए आप लोग पहले पिन कर लीजिए तो काटने में और दाग देने में बहुत अच्छा होता है और कम करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो यहाँ से मैं एक शेप दे देती हूँ मेरी साइड का। यहाँ पर ये जो ड्रेस है आप लोग कोशिश करना जितना ये टाइट होगा उतना ही देखने में सुंदर होगा, क्योंकि ये जो कपड़ा मैंने यूज़ किया है वो इलास्टिक है। फोल्ड साइड से यहाँ से मैं 3 इंच कम करके एक बोर्ड के जैसे मैं यहाँ पे काट लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो साइड है यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कोने हो। तो ये मैं कर रही हूँ स्लेवेस का भी मैं सिंपल कर रही हूँ, आप चाहे तो आप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इजी पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और स्लेवेस आप लोगों को अगर नहीं आए इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं एक लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ये मेरी स्लेवेस है, मैं यहाँ पर तैयार कर चुकी हूँ। और ये जो है यहाँ पे मैं फोल्ड करके इस तरह से काट लेती हूँ। ये होगा मेरी नेक के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई बॉक्रम यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिंपल सा रखूँगी, इसलिए मैं ये स्ट्रिप को काट कर यहाँ पे जोड़ लूँगी। इस तरह से फोल्ड करके मैं सेंटर में रखकर दोनों साइडों से यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर नहीं आती है तो मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं ये वीडियो फिर से दे रही हूँ, क्योंकि ये मैं हिंदी में दे रही हूँ। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि मैं हिंदी में अपलोड करूँ, इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। और मेरी हिंदी अच्छी नहीं आती है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी को समझ में ना आए। ये मेरी शोल्डर है, मैं शोल्डर को सिलाई कर लेती हूँ और जो स्लेवेस है वो भी मैं बाद में सिलाई कर लूँगी। आप लोगों को मैं कहती हूँ जब आप लोग कपड़े जो इलास्टिक जो फैब्रिक है वो अगर लेते हैं कोशिश करना पिन से ब्लॉक करके ही काटना, वरना आप लोगों की जो मेजरमेंट है वो नहीं आएगी। तो ये है मेरी स्लेवेस, मैं यहाँ पे सिलाई कर ले रही हूँ। और ये जो ड्रेस है टॉप आप जो भी कहें, ये मैं जब सिलाई करूँगी मेरी जो वेस्ट साइड है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सिलाई करना होगा। क्यों करना होगा आप वीडियो के बाद देख सकते हैं। अगर वो स्ट्रेट होगा अगर वो टाइट होती है तो देखने में बहुत सुंदर लगती है। ये है मेरी नीचे का जो पीस होता है कमीज का, मैं यहाँ पर एक फोल्ड करके जिगजैग सिलाई दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो, क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है। अब बाद में जब मेरी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से मैं सिलाई करूँगी। ये मेरी बॉडी है और नीचे का जो कपड़ा है वो मैं कम ही रखूँगी। आप लोग शायद देखे हैं कि मैं कितना लिया हूँ, तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। अगर कोई कमेंट है तो मुझे बता सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। बाय।